एनडीए में फिर से शामिल हो रहे ओम प्रकाश राजभर, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा कैसे विपक्षी नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, सुनिए। ये अटकलें लगाई जा रही हैं ना। देखिए, जब समाज का काम होता है, समाज के लिए काम शुरू होता है, तो आदमी आराम से वहाँ रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। 2024 में कितनी सीटें लाएंगे? 80 की 80 सीटें आएंगे यूपी में। हम एनडीए को ताकत देने के लिए एनडीए में शामिल हो रहे हैं। विरोधियों से हमसे क्या मतलब है? विरोधी अपना काम करें, विरोधी का काम होता है विरोध करना। 2018 में आपने देखा, 2019 में हम आए मोदी जी के साथ, 2022 में बड़ा नेता भाग गए थे, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में इधर से उधर गए, लेकिन नेता गए लेकिन जनता वोट थोड़ी गया है उनके पीछे। लेकिन ये है कि अगर समाज मेरे साथ है, समाज के लिए काम कर रही हमारी एनडीए, तो उनके नेता का भी सम्मान होना चाहिए, वो साथ रहेंगे तो और अच्छी बात है, और उनके आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज की तारीख में आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से देख रहे हैं, आप जन नेता हैं, एनडीए कितने सीट पा पाएगी? हम लोग जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, सोचते देखते होंगे, उससे 2-4 सीट अधिक पाते हैं, तो जो भी हमारा मिशन है उससे अधिक पूरा होगा। नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो जो उनका व्यक्तित्व भी है, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान क्या संसार के बहुत कम नेताओं का वो व्यक्तित्व है जो नरेंद्र भाई मोदी जी का है, तो इसलिए उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। जब महागठबंधन से हम अलग हुआ तो एनडीए में आने का संकल्प लिया, और वो नरेंद्र भाई मोदी जी के व्यक्तित्व के चलते हमने लिया है। मिलकर चुनाव लड़ना है, और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही ऐसा है कि पूरे देश में फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है। उनके साथ एकजुट होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे, और अगली सरकार फिर उनके नेतृत्व में बनेगी। कुछ शर्तें भी होंगी आपकी तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, कुछ शर्त का कहाँ कोई मामला है, एनडीए में हम शामिल हुए हैं और एनडीए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा, इसमें शर्त का क्या मामला? बेंगलोर एनडीए की जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मोदी साहब का नाम पूरे विश्व में है। इंडिया में जो प्रगति मोदी साहब के नेतृत्व में हुई है, ये प्रगति आज तक नहीं हुई थी। इसलिए हम सबका, जो भी उनके सहयोगी सदस्य है, उनका कहना है कि पूरे भारतवर्ष को मोदी साहब के साथ रहना चाहिए, मोदी साहब को सपोर्ट करना चाहिए और फिर से वो सत्ता में आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का कद दिन प्रतिदिन इतना ऊंचा जा रहा है कि विपक्ष उसके लिए हाय तबाह कर रहा है। ये कतई संभव नहीं है 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण। कितनी सीटें आपकी उम्मीद के मुताबिक एनडीए को इस बार आ सकती हैं? क्योंकि अभी एनडीए को का 303 सीट है भाजपा का, और हम लोग सब मिला करके लगभग 350 के आसपास हैं, उससे 10-20-25 सीट बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं।